तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टूर गाइड। तो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो और अच्छे ही रहो। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इंडिया की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन मनाली के बारे में बात करूंगा। देखिए, मनाली टूर प्रोग्राम करने से पहले जो जो चीज़ आप लोगों को जानना जरूरी है वो सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। मतलब कैसे आप जा सकते हो, कौन से टाइम अच्छा होगा, कहाँ खाना खाना सही होगा, कहाँ होटल लेना सही होगा, कितना कॉस्ट आएगा, कहाँ से आप कार बुक कर सकते हो, ये सब कुछ डिटेल्स में आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो जो जो फ्रेंड्स नए हो मेरे चैनल में वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, क्योंकि ऐसे टूर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को इसी चैनल में ही मिलेगा। एंड जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स, चलो आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मनाली टूर प्लान करने के टाइम सबसे पहले जो चीज़ जानना जरूरी है वो कौन सा टाइम अच्छा होगा मनाली घूमने के लिए। देखिए, साल का हर समय आप मनाली घूम सकते हो। अगर आप सिर्फ स्नो लवर हो तो आप मेरे हिसाब से दिसंबर टू मार्च के अंदर चले जाओ। इस समय मनाली मेल रोड पर भी आपको स्नोफॉल मिल सकता है, एंड उसके साथ साथ सोलांग वैली में बहुत सारा स्नो मिलेगा। इसमें क्या होगा, आप स्नो का जो एक्टिविटीज़ है वो सारे एंजॉय कर सकते हो। एंड अगर आप सिर्फ रोहतांग पास जाने के लिए जा रहे हो तो आपको मई मंथ के बाद में जाना होगा। तो अभी कैसे आप मनाली पहुंच सकते हो? देखिए, आप अपना घर से, अपना इलाका से पहले दिल्ली या चंडीगढ़ तक आ जाओ। दिल्ली या चंडीगढ़ से मनाली आप आराम से बहुत इजी तरीके से बाई बस पहुंच सकते हो। दिल्ली से बहुत सारे बस मनाली के लिए जाता है, एंड चंडीगढ़ से भी बहुत सारा बस अवेलेबल है। तो दिल्ली से टोटल डिस्टेंस है 540 किमी, मतलब 13 से 14 घंटा टाइम लगेगा बस में। एंड चंडीगढ़ से 320 किमी, लगभग 7 से 8 घंटा टाइम लगेगा। दोनों जगह से HRTC का बस अवेलेबल है। मैं यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देखो, पेटीएम बस, redbus.in, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से आप बस का टिकट बुक कर सकते हो। और बस का फेयर है लगभग चंडीगढ़ से आपका 700 से 1000 के अंदर बस का फेयर पड़ेगा, एंड दिल्ली से 1000 टू 1500 या 2000 के अंदर आपका बस का टिकट हो जाएगा। जो HRTC का बस है उसका फेयर थोड़ा कम है, एंड जो प्राइवेट बस है उसका जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। और जब आप बस का टिकट ये ऑनलाइन साइट से बुक कर रहे हो ना, तब आप अपना बोर्डिंग पॉइंट भी चूज़ कर सकते हो। जैसे दिल्ली का 3 बोर्डिंग पॉइंट है, काश्मीरी गेट, मजनू का टीला एंड कर्नल बाईपास, ये तीनों जगह से ही आपको बस मिलेगा। एंड चंडीगढ़ का त्रिवेणी चौक से आपको बस मिलेगा। तो ये तो गया मनाली पहुंचने का तरीका। अभी देखो, यहाँ पर एक बात ध्यान देना ज़रूरी है, जो सारे बस सुबह सुबह मनाली पहुंचेगा, मतलब फुल नाइट जर्नी के बाद, बस जर्नी के बाद सुबह सुबह मनाली पहुंचेगा, उसी बस का टिकट आप लोगों को लेना है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो एक नाइट स्टे करने का कॉस्ट कम होगा, एंड टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है। तो अभी सुबह सुबह मनाली पहुंचने के बाद पहले आप होटल में चेक इन करो, ब्रेकफास्ट करो, थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद घूमना स्टार्ट होगा। यहाँ पर कहाँ होटल लेना सही होगा वो भी बोल देता हूँ। देखिए, मनाली में बहुत सारे होटल अवेलेबल है, बहुत सारे अच्छा अच्छा होटल अवेलेबल है। आप मेल रोड पर ही होटल लेना होगा आपको, क्योंकि ये जो साइड सीन है, जो कार साइड सीन करने के लिए आपको मिलेगा, ये सब कुछ मेल रोड के आसपास ही आप लोगों को मिलेगा। एंड जो साइड सीन है मेल रोड के 1 से 2 किलोमीटर के अंदर बहुत सारे टूर्स प्लेस है जहां आपको घूमने के लिए जाना होगा। तो अगर आप पैदल भी जाना चाहते हो तो आप घूम सकते हो। तो इसलिए मेल रोड पर ही रूम लेना सही होगा। एंड आपको यहाँ पे होटल का कॉस्ट लगभग 1200 से 1500 के अंदर अच्छा होटल रूम मिल जाएगा। तो अभी घूमने की बारी स्टार्ट। डे वन में थोड़ा रेस्ट करने के बाद आप 4-5 जगह साइट सीन है वो आप कर सकते हो, जैसे बसिस टेम्पल, मनु टेम्पल, हिडिम्बा देवी टेम्पल, हिमालयन म्यूजियम, एंड उसके साथ साथ वन विहार नेशनल पार्क। ये पांचों जगह आप आराम से पहले दिन घूम सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं है और पांचों जगह बहुत ही अच्छा प्लेस है, आपको अच्छा लगेगा। तो ये गया पहला दिन का प्रोग्राम। दूसरा दिन सुबह सुबह आप कार बुक करके सोलांग वैली, अटल टनल एंड जोगिनी फॉल्स, ये तीनों जगह के लिए निकल जाओ। सोलांग वैली में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सोलांग वैली में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होता है। अगर बर्फ होता है तो बहुत मज़ा आएगा। उसके साथ साथ अटल टनल, ये भी आप लोगों को अच्छा फीलिंग्स देगा, बहुत ही अच्छा प्लेस है। एंड उसके साथ साथ जोगिनी फॉल्स, यहाँ पर भी ज़रूर विजिट करना। तो ये तीनों जगह दूसरे दिन का प्रोग्राम है। अगर पहले दिन कोई भी साइट सीन रह गया तो दूसरे दिन आप शाम को वो कर सकते हो। एंड शाम को ये दो दिन शाम आप मेल रोड पर बिताइए, एंड वहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे आता है खाना खाने का बारी। देखिए, ये दो दिन जब आप मनाली में स्टे कर रहे हो, ये दो दिन आप मेल रोड पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे वेज नॉन वेज बहुत ऑप्शन है, आप अपने
पसंद के अनुसार यहाँ पे खाना खा सकते हो। तो अभी डे थ्री का प्रोग्राम, डे थ्री आप होटल से चेकआउट करके सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद होटल से चेकआउट करके कुल्लू एंड मणिकरण के लिए निकल जाओ। कुल्लू होके मणिकरण चले जाओ। मणिकरण बहुत ही अच्छा प्लेस है, वहाँ पे बहुत कुछ देखने के लिए है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मणिकरण घूमने के बाद शाम तक आप वापस कुल्लू आ जाइए। कुल्लू से ही आपका बस मिल जाएगा जो आपको चंडीगढ़ या दिल्ली तक पहुंच देगा। तो वापस आने के टाइम जो बस का टिकट है ना, वो कुल्लू से स्टार्ट होगा, कुल्लू से चंडीगढ़ या कुल्लू से दिल्ली। तो ये गया तीन दिन का प्रोग्राम। ये तीन दिन का प्रोग्राम में मतलब 3 days 4 nights का प्रोग्राम, यहाँ पे 2 nights स्टे होगा होटल में एंड 2 nights बस में सफर होगा। एंड लास्ट दिन जिस दिन आप कुल्लू एंड मणिकरण घूमने के लिए जा रहे हो, उस दिन कुल्लू में आपको लंच करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो मनाली वापस नहीं जा रहे हो ना, कुल्लू में भी आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। तो ये तीन दिन का प्रोग्राम में टोटल कॉस्ट कितना आएगा, देखिए आपको आने जाने का जो खर्च है मतलब बस का जो फेयर है वो लगभग 1000 rupees पकड़ के अप डाउन में 2000 rupees पर हेड कॉस्ट आएगा। होटल का कॉस्ट 2 nights के लिए आपको पर हेड मतलब एक रूम में अगर दो लोग शेयर करते हो, दो लोग रहते हो, तो आपका कॉस्ट आएगा लगभग 700 to 800 पर हेड। तो 700 करके 1500 आपका कॉस्ट आएगा दो दिन के लिए। एंड उसके साथ साथ खाना पीना तीन दिन में आपका पर डे 500 rupees करके पर हेड, तो 1500 rupees का कॉस्ट आएगा खाने पीने का। एंड अभी आता हूँ साइड सीन करने के लिए जो कॉस्ट मतलब कार कॉस्ट। देखिए पर डे यहाँ पे साइड सीन का जो कॉस्ट होता है ना, ये लगभग 4000 rupees एक टैक्सी चार्ज करता है। एक टैक्सी में आप 4 लोग आराम से घूम सकते हो। तो पर हेड 1000 rupees करके आपको साइड सीन का कॉस्ट आएगा। तो तीन दिन के लिए 3000 rupees आपका कॉस्ट आएगा। तो टोटल कॉस्ट होगा 8000 rupees पर हेड, ये चार दिन का, ये तीन दिन चार नाइट का जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में। एंड इसके अलावा अगर आप कोई एक्टिविटीज करते हो तो उसके अलग से आपको पे करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा प्लान होगा अगर आप इसी प्लान के अंदर, इसी प्लान के रिगार्डिंग आप घूमने के लिए जाना चाहते हो। एंड यहाँ पे बोल देता हूँ, मेल रोड के ऊपर बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं, मेल रोड के आसपास बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं, वहाँ से आप कार बुक कर सकते हो। एंड थोड़ा बार्गेनिंग करना, आपको 4000 से कम में भी मिल सकता है ये कार। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ मनाली टूर रिलेटेड बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे पाया हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना। एंड जो जो फ्रेंड्स नए हो मेरे चैनल में वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, क्योंकि ऐसे टूर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को इसी चैनल में ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।